सब्सक्राइब करें आरती'स किचन को और बेल आइकॉन पे प्रेस करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आरती'स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्विक एंड टेस्टी कोकोनट लड्डू। ये लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ मिल्कमेड का टिन लिया है, 200 ग्राम का है, और कोकोनट बुरादा लिया है मैंने, ग्रेटेड कोकोनट 250 ग्राम। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आइए बनाते हैं कोकोनट लड्डू। इसके लिए मैंने पैन गरम कर लिया है, उसमें हम मिल्क मेड डाल देंगे और एक मिनट के लिए चलाते रहेंगे। याद रखिए लो मीडियम हीट पे ही हमें इसे गरम करना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट बुरादा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है ताकि ये जले ना। धीरे धीरे करके हम पूरा बुरादा ऐड कर देंगे और चलाते रहेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने पूरा कोकोनट ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और दो मिनट के लिए लो मीडियम हीट पे हम इसे सेक लेंगे। हमारा मिश्रण अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। इसके लिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। लड्डू बनाने के लिए हम थोड़ा सा घी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच घी लिया है और ऊपर से लड्डू को लगाने के लिए ग्रेटेड कोकोनट। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा घी लेंगे हाथों पे और थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे लड्डू का और इसे गोल गोल करते हुए एक लड्डू बना लेंगे। अब इस लड्डू को ग्रेटेड कोकोनट में डाल देंगे और ऊपर से पूरी तरह से इसे कोकोनट लगा लेंगे। तो लीजिए, हमारा कोकोनट सिंपल एंड इजी टेस्टी लड्डू तैयार है। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ये बहुत जल्दी बन जाती है, ये बहुत ही टेस्टी होती है। स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद होती है। आप इसकी मिठाई भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज लड्डू बना रही हूँ। इसके ऊपर आप किसी भी सजावट कर सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, लेकिन ये प्लेन भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम पूरे कोकोनट लड्डू बना लेंगे। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके। आप ये लड्डू बना के 3-4 दिन तक रख सकते हैं। अगर मेहमान आ जाए तो ये झटपट जल्दी से बन जाती है मिठाई। तो हमारे कोकोनट लड्डू बनके तैयार है, ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और ये लगभग 5 मिनट में बनके तैयार है। तो आप भी ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।